भगवान कृष्ण कहते हैं सर्व धर्म परित्यज्य, सब धर्मों का त्याग करके जो मेरी शरण हो जाता है उसे किसी भी अपराध का फल नहीं भोगना पड़ता है। तो अब हम प्रभु की शरण हैं। क्या हुआ, वीडियो नहीं मिल रहा है क्या? चला तो ही रहे, फिर थोड़ा क्यों चला रहा हो? ज्यादा दिखा इन्होंने, पैसा दें खूब। दरअसल में बात ऐसी है, देखिए अग्नि को हम कोई हाथ में तो पकड़ते नहीं है, अघाना लगाते हैं तापने के लिए और थोड़ा दूर बैठ के तापते हैं। दूर बैठ के तापने से जिस प्रकार से सर्दी शरीर को प्रभावित नहीं करती है, ऐसे हम दूर से भी भगवान के पूजा पाठ अभिषेक को देखते हैं टीवी से मोबाइल से तो भी हमें प्रभावित नहीं करते, पाप दुख क्लेश वो रुक जाते हैं, थम जाते हैं। आपने देखा होगा गर्मियों में लोग नेट लगा लेते हैं इधर उधर अपनी दीवारों के, हरा सा एक कपड़ा सा आता है जाली से, लोग पौधों के ऊपर भी लगा देते हैं हरा नेट, थोड़ा सच्छिद्र होते हैं उसमें हवा पास होने के लिए। उस नेट से सूरज तो नहीं रुकता पर सूरज का जो विशेष तापमान है वो रुक जाता है। तो हम जब अच्छे चित्रों का अच्छे प्रसारण का दर्शन करते हैं तो शायद पाप नहीं खत्म होते होंगे पर पाप का जो प्रभाव है वो कम हो जाता है। जैसे डैम बना करके नदियों का प्रभाव कम हो जाता है, बहने की धारा कम हो जाती है, कितना पानी बहाना है वो डैम के चौकीदार पर निर्भर करता है कि उसे कितना इंची गेट खोलना है। जब हम पवित्र कर्म करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कथा सत्संग करते हैं, दान करते हैं, तीर्थ में वास करते हैं तो अनायास पाप का दुख नहीं आता किसी को। और तीर्थ में अगर कोई दुखी होता है तो वो दुखी आया नहीं है, वो नियोजित किया गया है। और तीर्थ में किया हुआ जो पाप है उसे छुड़ाने के लिए कोई तीर्थ भगवान ने अब बनाया नहीं बनाया है। कुछ बातें हैं गरुड़ पुराण की, वो कहता हूं। मैंने कभी गरुड़ पुराण की कथा सुनाई नहीं है पर बहुत सारा सब कुछ अध्ययन किया, अध्ययन करने के बाद ये निश्चय किया कि मैं नहीं सुनाऊंगा। गरुड़ पुराण में चार युगों के कर्मों का फल लिखा हुआ है। गरुड़ पुराण में ऐसा लिखा है कि सतयुग में 10,000 वर्ष तप करना ध्यान करना या पूजा करना या निरंतर दान करना जो फल उसका बनता है वही फल त्रेता युग में मात्र 5,000 वर्ष करने के पश्चात वही फल प्राप्त हो जाता है। द्वापर में उतना ही फल मात्र 11 महीने पूजा तप दान करने से प्राप्त हो जाता है और कलयुग में वही फल, सतयुग में जो फल 10,000 वर्ष में मिलता है वही फल कलयुग में 1 दिन कथा श्रवण करने से दान करने से पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। क्योंकि कलयुग इतना भयंकर युग है कि इसमें आदमी एक पल भी भगवान से जुड़ जाए तो उसे वर्षों वर्षों का फल प्राप्त हो जाता है।
ऐसा युग है, भयंकर युग है। सतयुग में क्या है, सतयुग में सभी लोग भजन करते थे, सभी यज्ञ करते थे, सभी जाति पाति से अलग होकर के सभी लोग मानवीय कर्म करते थे सतयुग में। द्वापर में गरीब नहीं करते, अमीर करते थे। त्रेता में जिन्हें ब्राह्मण पढ़ा देते थे वही करते थे, और कलयुग में तो प्रतिबंध आ गया छोटी जातियों पर कि तू मंदिर नहीं आवेगो, तू पूजा में नहीं बैठेगो, तू फलाना नहीं करेगा, तू ढिकाना नहीं करेगा। इसीलिए परमात्मा ने ये सिस्टम बनाया, आरक्षण दिया। जब जातिगत वर्ण व्यवस्था में हिंसा पैदा हो जाती है तब सिस्टम तैयार होता है। जैसे संविधान बना, सिस्टम बना, भीमराव अंबेडकर जी ने एक सिस्टम बनाया पिछड़ी जातियों के लिए, उस जाति से सभी लोग ऊपर आए। अब हम 70 साल में ऐसे ही परमात्मा ने कलयुग के लिए सिस्टम बनाया। जो गरीब हैं, जिनको छुआछूत में धक्का मार दिया है, जिनको मंदिर में नहीं चढ़े देते, जिनमें गंगा में नहीं नहाने देते, जिनको कुआं से पानी नहीं भरने देते, ऐसे लोगों के लिए प्रभु कहते हैं कि एक दिन भी तुम मुझे याद करोगे तो 10,000 वर्ष का तुम पे फल प्राप्त कराऊंगा। करते रहो करते रहो। अब कलयुग को तो 5,000 वर्ष से ज़्यादा हो गए, क्या पता हम कौन कौन सी जातियों में घूम के आए, कौन से वर्ण में हमने जन्म लिया है। तो हम एक दिन भी तीर्थ में वास करें, पूजा करें, दान करें, अच्छे आयोजनों से जुड़ें, अच्छी बुद्धि रखें, किसी के भी सुख से ना जलें, किसी की भी साथ ईर्ष्या ना करें। कि रौर नरक जोग घट माही, भगत ईर्षा करत जग माही। गोस्वामी कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्त से या अपने गुरु से ईर्षा कर लेता है उसे रौरर नरक में जाना, 27 नरक हैं। रौरर नरक उसे कहते हैं जिनके हाथ पैर नहीं होते, आंख नहीं होती, ऐसे शरीर। रौरर नरक बड़ा दुष्ट नरक है ये। किसी अच्छे भगत से और भक्ति प्रदान करने वाले गुरुदेव से किसी ने भूल से भी ईर्ष्या करी तो वो रौरर नरक में चला जाता है। रौरर नरक कहते हैं पेड़ पौधों को, पेड़ पौधा। और आप जानते हैं बारिश चल रही है आजकल, बारिश में आप सरकारी किसी पड़ित जमीन पर चले जाइए, करोड़ों प्रकार के पौधे उत्पन्न हो चुके हैं। और वो ये पौधे कौन से हैं, ये पौधे वो हैं जिनकी छत्र छाया में कोई बैठेगा नहीं, उखाड़ेंगे, जल जाएंगे, सूख जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, यानी जिनका कोई महत्व नहीं है समाज में। क्योंकि भगवान ने जब महत्व दिया तब हम महत्व समझ नहीं पाए। अच्छा, कभी कभी भगवान हमें हाथ पकड़ रहे हैं हमारा और हमें बार बार कह रहे हैं कि तुम आओ, ये पुण्य कमाओ, ये धर्म कमाओ, ये व्यवस्था में जुड़ो, ये काम करो, ये यज्ञ करो, ये कथा करो, पर हम नहीं कर पा रहे, नहीं जुड़ पा रहे। और इतना ज़्यादा सरल कर दिया है तो भी नहीं जुड़ पा रहे। इसका अर्थ है कि हमारे पुण्य कुछ क्षण के लिए पैदा हुए, जैसे ही हम अच्छे कर्म करने की सोचे तत्काल हमारे पिछले पापों ने हमें घेर लिया और हमारी बुद्धि में आकर के वो काल बैठ गया जो हमें अब सत्कर्म और अच्छी चीजों से जुड़ने नहीं दे रहा है। किसी पुण्य से हम इसमें जुड़े, अब पुण्य और बढ़ना चाहिए इसके बाद में, तो पर ब्रेक लग रहा है क्योंकि कुछ और पाप हमारे इकट्ठे होकर एक साथ कूद पड़े।
बहते हुए पानी को कब रोक सकते हैं हम? बहता हुआ पानी, अचानक उस पानी में बहुत बड़ा ढेर मिट्टी का गिर पड़े, मान लीजिए पानी 5 फुट बह रहा है और अचानक आपने बहुत बड़ा एक डंपर ला करके, ट्रक ला करके पत्थरों का खाली कर दिया, तो पानी उसी समय जाम हो जाएगा। ऐसे ही अचानक हमारे पुण्यों के प्रभाव में कोई पाप आड़े आ जाए तो हमारे सत्कर्म वहीं की वहीं रुक जाते हैं। फिर चाहे गुरु हाथ पकड़े, कितना भी कहे, बार बार संकेत करे, पर वो संकेत भी हमारी समझ में फिर आता, फिर वो हम टालते जाते हैं और खुद को संसार के उन्हीं पापों में फंसाते जाते हैं। कुछ दिनों के बाद इतना कुछ खराब हो जाता है कि हम फिर किसी काम के लायक रहते, फिर हम छोटी सी भी पूजा नहीं कर पाते। ये 10-20 हजार रुपए में पोथी पाती बिठाई है ना, ये भी नहीं बिठा पाते, फिर ऐसी मुश्किल आ जाती है सामने से। क्योंकि जो व्यक्ति इशारे को नहीं समझ रहा है उसे कल का काल भी समझने वाला, क्योंकि इशारा साक्षात हो रहा है, काल साक्षात नहीं है, काल छुपा हुआ होता है। रौरर नरक जात जग माही। और देखिए, मैं तो, आप तो खैर बहुत ज्यादा हमारे हैं, पर ये पूरा देश, पूरे सनातन संस्कृति हमारी है, उसको बचाने के लिए जो भी मुझे करना योग्य है वो मैं करूंगा ही, चाहे जो भी संकट आए। और संकट तो साथ ही चलते हैं, जब आपकी योजनाएं समाज के लिए, देश के लिए होती हैं तो संकट साथ ही चलते हैं, परेशानियां साथ चलती हैं। आप घर में कैद रहिए, परेशानियां कैद हो जाएंगी, आपके साथ ही रहेंगी। आप घर के बाहर निकलो, परेशानियां भी बाहर ही निकलेंगी। आप जहां जहां चलेंगे, सुख दुख परेशानियां, सहयोग दुरुपयोग, प्रेम ईर्ष्या, ये भी साथ ही चलती है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम तीर्थ में जा रहे हैं तो बुराइयों को घर छोड़ चले, साथ ही जाते। और सबसे बड़ी बात, गुरुदेव का इशारा जिनको समझ में नहीं आ रहा है, वो कहीं गलत तरीके से कोई राक्षस, कोई शनि प्रभाव, कुछ न कुछ उनके ऊपर आरूढ़ हो गया है, तो अब वो समझ नहीं पा रहे। अच्छा, भगवान ऐसी स्थिति में परीक्षा भी खूब लेते हैं। भगवान एकदम जीरो पे लाके खड़ा कर देते हैं भक्त को, अब बोल, यहां तैयार है, वहां भी ना। तो फिर भगवान समझ गए कि अब इसे अपने किसी पाप का फल भोगना ही भोगना है। अब इसका वो टाइम आ चुका है। यम ब्रह्मो कृतम भगवते त्वया दर्शितम्। भगवान के उत्सव में विघ्न डालने का फल है कि खुद विघ्न में पड़ जाना। भगवान के उस समय जो विघ्न डालते हैं वो खुद विघ्न में पड़ जाते हैं, उन्हें कोई बचा नहीं सकता। अचानक भक्तों में से ही ऐसा कोई बाहर कोई कार्य हो जाएगा कि आपका नुकसान हो जाएगा, आप तकलीफ में चले जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, मानसिक रूप से आप व्याकुल हो जाएंगे और मान सम्मान को भी खींचातानी हो जाएगी, आपके अंदर ईर्ष्या प्रकट हो जाएगी, आप कुछ ऐसा बोल बैठेंगे जो आपको रौरर नरक में ले जाएगा।